और इसके बच्चे जो है ना चार थे और अल्हम्दुलिल्लाह चारों बच्चे जो है ना बिल्कुल सही हैं। तीन बच्चे थे अल्हम्दुलिल्लाह तीनों की ग्रोथ जो है ना बिल्कुल सही है। और तो यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह से पूरा बॉक्स जो है ना वो फुल हो चुका है। तो अभी तमाम अंडे इसके नीचे ही दिखाता हूँ दोस्तों को, थोड़ा सा एग्रेसिव हो रही है तो ये इसके नीचे सारे अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, मिलकर तो आप सब सही दोस्त होंगे। तो काफ़ी दिनों से जो है ना यूट्यूब के ऊपर व्लॉग अपलोड नहीं होता, तो काफ़ी दोस्तों को पता भी है और जिन दोस्तों को नहीं पता उनको भी बता देता हूँ कि मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ज़्यादा सही नहीं थी, इसी वजह से जो है ना मैं यूट्यूब पर जो है ना व्लॉग अपलोड नहीं कर रहा था। तो अलहमदिल्ला आप जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना बेहतर हो चुकी है तबीयत। तो आज जो है ना आप दोस्तों को मैं मास्टर केज की जो है ना बिल्डिंग प्रोग्रेस दिखाऊँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप दोस्तों ने देखी भी नहीं, क्योंकि मैं खुद डेली बेस पर थोड़ी बहुत देख लेता था कि तबीयत सही नहीं थी, इसी वजह से जो है ना इतना काम भी नहीं कर सका। कुछ थोड़े बहुत जो है ना काम कर लिए थे तो वो भी आप दोस्तों को दिखाता हूँ। और कुछ यहाँ पर भी जो है ना दो गेट भी बन चुके हैं इन केजेस के, जहाँ पर 10 केजेस थे तो दो केजेस के जो है ना वो गेट तैयार हो चुके हैं। अभी जो है ना मैंने कलर नहीं किया, बारी बारी जो सारे एक साथ जब बन जाएंगे तो सारे जब 6 केज और बन जाएंगे तो उसके साथ जो है सब कुछ एक साथ ही जो है ना फिर कलर करेंगे सब गेटों को। दो फाइनल जो है ना तैयार हो चुके हैं। और इसके साथ रेबिट्स भी दिखा दो, रेबिट्स की डाइट मैंने थोड़ी चेंज कर दी है। तो रेबिट्स की डाइट मैंने क्या करा है, अभी सुबह मैंने उनको जो है ना गाजर लगाया था, गाजर में उन्होंने खा लिया, अब जो है ना इसके अंदर मैं इनको चोकर और भूसा मिक्स करके दिए तो ये भी जो है ना ये शौक से खा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल यहाँ पर सेट है। और थोड़ी बहुत गाजर जो है ना मिट्टी में गंदी कर दी ये भी, तो इसको जो है ना बाहर ही गिरा देते और अब जो है ना ये भूसा और चोकर जो है शौक से खाते हैं। और बाकी ने केज भी जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया। अब आप दोस्तों को जो है ना मास्टर केज की ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाता हूँ कि जिन जिन बर्ड ने ब्रीड की थी उनके बच्चों की जो है ना ग्रोथ कैसे चल रही है, यानी कितना जो है ना साइज उनका बन गया, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है ना आप दोस्तों को दिखाया भी नहीं, तकरीबन 8 दिनों में मैंने ब्लॉग ही अपलोड नहीं किया। तो सबसे पहले जो है ना कॉकटेल से शुरू करते हैं। अभी मैं सुबह सुबह सबको जो है ना सॉफ्ट फूड भी लगाया, दाना पानी मैंने चेंज कर दिया, सॉफ्ट फूड में जो है ना मैंने मिक्स सॉफ्ट फूड करके आज लगाया, जैसे इसमें गाजर भी थी और जो है ना उबला हुआ अंडा था, पापों का जो है ना चूरा था और जो है ना थोड़ी बहुत दालें भी मिक्स करके दी। आप मिक्स दिखाता हूँ, ये मैंने फिशर के पेड़ को डाला हुआ है, ये आज का सॉफ्ट फूड में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना मैंने इसमें मिक्स करके दी और भुट्टा भी जो है मैंने काट के इसके अंदर ही डाल दिया। तो ये जो है ना बहुत शौक से खाता, अभी मैंने इनको लगाया तो ये खाना शुरू कर देंगे। सबसे पहले जो है ना यहाँ कॉकटेल ने खाना आना शुरू कर दिया, क्योंकि कॉकटेल में बहुत ही ज़्यादा शौक से सॉफ्ट फूड खाता है। तो यहाँ से जो है ना सबसे पहले कॉकटेल का बॉक्स चेक करते हैं, उसके बाद वही आपको सब बॉक्स जो है ना मैं दिखाता हूँ कि क्या जो है ना ब्रीडिंग प्रोग्रेस है और क्या जो है ना कैसे बच्चों की ग्रोथ चल रही है। तो ये सबसे पहले इस बॉक्स को मैंने खोल भी दिया, इसको जो है नीचे यहाँ पर रख लेंगे और माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना इनका साइज़ बड़ा हो गया। तीन बच्चे थे अल्हम्दुलिल्लाह तीनों ही ग्रोथ जो है बिल्कुल सही है और इधर काफ़ी जो है ना बड़ा साइज हो गया। ये बाहर निकाल दो इसको, ये देखो माशाल्लाह। तो मैंने सोचा कि इनमें से जो है ना एक बच्चे को मैं हैंड टाइम भी करूँगा, इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद जो है ना इस बड़े बच्चे को जो है ना यहाँ से निकाल लेंगे हैंड टाइम के लिए, फिर उसको हैंड फीड करवाएंगे और उसको जो है ना हैंड टाइम भी जो है ना करेंगे। और उनका बॉक्स वगैरह की जो है ना सफाई मुकम्मल हो गई थी। तो अलहमदिल्ला यहाँ पर तीनों बच्चे हैच हुए थे तो तीनों ही ग्रोथ जो है ना सही चल रही है। और अब जो है ना इसको वापस अपनी जगह पर लगा लेते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं लोटिनों का पेयर तो जो है ना बाहर ही है और इसके बच्चे जो है ना चार थे और अलहमदिल्ला चारों बच्चे जो है ना बिल्कुल सही हैं और ये भी जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना परेल हो गए। बस इंशाल्लाह जल्द जो है ना ये बॉक्स से ही बाहर आ जाएंगे। तो तीन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा परेल हो गए, थोड़ा भी थोड़ा छोटा क्योंकि सबसे एंड में यही हैच हुआ था। तो इनका साइज भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा हो गया और ये दिखाता हूँ आपको, ये काफ़ी बड़े बड़े साइज के हो गए। तो इसको वापस छोड़ देते और बॉक्स को बंद कर देते। फीमेल जो है ना शोर मचा रही है वो, क्योंकि जैसे बॉक्स को खोला और इससे नीचे जो है ना ये होगो रोमो का पेयर है। तो यहाँ पर हमने कुछ बच्चे पोस्टर भी किए थे फेलों के, तो ये भी दिखाता हूँ दोस्तों को। तो यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह से पूरा बॉक्स जो है ना वो फुल हो चुका है। इसके तीन बच्चे जो है ना मैंने फेलों के भी छुप पोस्टर किए थे जो कॉलोनी से निकाले थे और बाकी तीन इसके होगो रोमो के अपने थे और एक जो है ना ये वाला ये अंडर साइज का डाला था, ये दूसरा बच्चा वो पीछे गया हुआ है। तो अलहमदिल्ला यहाँ पर जो है ना सात बच्चे हैं और सातों की जो है ना ग्रोथ बिल्कुल जो है ना ज़बरदस्त चल रही है और पेयर्स को उनको जो है ना सही से फीड करवा रहा है। तो इस बॉक्स को भी जो है ना बंद कर देते हैं और इसके साथ जो फिशर का पेयर था ये तो मैं दिखाई नहीं आप दोस्तों को, यहाँ पर जो है ना फिशर के पेयर वही की हुई नेस्टिंग बस की हुई इसने,
और देखिए नेस्टिंग की जो है जगह बना के रखी हुई, लेकिन अभी तक जो है ब्रीड नहीं कर रहा, तो थोड़ा जो है और वेट कर दे जैसे कब तक जो है ब्रीड कर दें। बाकी बॉक्स के अंदर तो जा रहे आ रहे हैं, लेकिन ये जो है फीमेल जो है ब्रीड नहीं कर रही है। बाकी नेस्टिंग बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने बनाई है। और इसके नीचे यहाँ पर एक फेलो का पेड़ शिफ्ट किया था, तो इसके भी जो है चेक कर लेते हैं कि कितने बच्चे हैच हो गए, बच्चों की जो है ग्रोथ कैसे चल रही है। तो ये वीडियो वेल सॉफ्ट फूड खा रहा है, तो फीमेल अंदर चली गई है। और यहाँ पर भी माशाल्लाह तकरीबन 4-5 बच्चे जो है ना हैच हुए हैं और काफ़ी जो है बड़े भी हो गए। तो फीमेल अंदर ही है, तो 4 से 5 बच्चे जो है आज माशाल्लाह से हैच हुए हैं। तो मेल सॉफ्ट फूड खा रहा है, उसके बाद जो है बच्चों को सॉफ्ट फूड खिलाएगा। तो यहाँ पर भी जो है आप जिसको प्रोग्रेस दिखा दी, सारी प्रोग्रेस आप जिसको, इसके नीचे जो है ना यहाँ पट्टे वगैरह थे स्टील पेरट के, अभी यहाँ जो है केज पूरा खाली हो चुका है। तो किधर का भी आप जिसको दिखाता हूँ, यहाँ पर जो स्टील पेरट के पट्टे थे वो सारे मैंने जो है यहाँ पर कॉलोनी में शिफ्ट कर दिए। फिंचिस का फिंचिस जो जाओ भी जो है सारी एक साथ ही है, और स्टील पेरट भी इसके अंदर ही है, तो यानी किसी से जो है मस्ती वगैरह नहीं कर रहे। तो यहाँ पर सबको एक साथ इसलिए छोड़ दी, क्योंकि ये जो है ना केज बहुत ज़्यादा छोटा हो गया था, क्योंकि बर्ड ज़्यादा थे। तो यहाँ मैंने सबको छोड़ दिया, अब जो है ना यहाँ पर इजीली ये जो है ना घूम रहे हैं और अपनी जो है ना डाइट वगैरह खा रहे हैं। इनको भी मैंने जो है मैंने सॉफ्ट फूड वगैरह जो है डाल दिया और दाना पानी इनका मुकम्मल हुआ हुआ है। और इसके नीचे मैं आप दोस्तों को दूसरी चीज़ ये है कि स्टेल पेड कॉलोनी, जब स्टेल पेड कॉलोनी लगाई जब उसका मैंने वीडियो शेयर की, उसके बाद जो है कोई भी वीडियो आई नहीं। तो यहाँ पर भी जो है ना स्टेल पेड कॉलोनी दिखाया था आप दोस्तों को मैं, तो यहाँ पर भी अलहमदिल्ला काफ़ी ज़्यादा जो है ना सारे पेड़ अलहमदिल्ला आलमोस्ट जो है ना वो सेट हो गए मटकियों के अंदर। कुछ मटके जो है बार बार टेडी कर देते हैं, इसको जो है अंदर जाके सीधी कर देंगे बाद में। अभी मेरे ख्याल से जो है ना मटके खाली उन्होंने सेट किए नहीं, कि भैया मादी इस मटकी में जा रही है, ये फीमेल इधर बैठी है और ये फीमेल जो है इस मटकी जा रही है, ऊपर अली भी जो है ना फीमेल जो है मटकी के अंदर गई है, और यहाँ पर जो है रेड है इसकी मटकी जो है मटकी के अंदर गई है। तो काफ़ी हद तक जो है ना मादी ने अपनी मटकियाँ जो है ना वो सेट कर ली है, और अंडर साइज़ की फीमेल जो है ना ये नीचे वाली मटकी में गई है। तो अलहमदिल्ला सारे पेयर जो है ना आलमोस्ट सेट हो गए, तो इसको भी जो है यहीं पर रहने देते, उसको बंद कर देते गेट को। कॉलोनी की मैंने आप दोस्तों को जो है ना अपडेट दे दी, और यहाँ पर जो एयर पोशन लग के जिसकी भी मैंने आप दोस्तों को अपडेट दे दी। और ये रहा जावा का पेयर, और जावा के जो बच्चे थे वो कितने ग्रोथ चली है, तो मैं आप उसको भी दिखा देता हूँ। तो फीमेल जो है ना वो अंदर ही है, और बच्चे भी जो है सारे अंदर ही है। तो देखते, मैं तो सुबह भी आके देखा था, माशाल्लाह से सारे बच्चे जो है बिल्कुल सही हैं। और 3 बच्चे जो है ना वो परेल भी हो गए, जैसे एक कोने बैठा हुआ है के, और 2 वो रहे, और 3 बच्चे जो है ना वो अभी उनकी पारों की तरह पिने निकल आई, एक बच्चा जो है ना वो एक्सपायर भी इसमें हो गया था। तो 6 बच्चे अलहमदिल्ला 6 की 6 ग्रोथ सही चल रही है, और फीमेल भी जो है ना बाहर आ गई है। एक बच्चा खाली इसमें एक्सपायर हो गया, इसमें 7 बच्चे जो है ना थे, 4 में पोषण किए थे और 3 इसके अपने थे, तो एक जो है ना वो एक्सपायर हो गया था। तो अलहमदिल्ला यहाँ भी जो है ना ब्रीडिंग प्रोग्रेस इनकी सही चल रही है, सही से ग्रोथ और सही से केयर इन लोग कर रहे हैं। और इसके नीचे जो यहाँ पर हमने जावा के जो पेयर लगाए थे सेपरेट करके, इनको भी जो है ना मैंने मटकी वगैरह नहीं दी, इंशाल्लाह इनको भी जो है ना कल इंशाल्लाह मटकी में दूंगा। और अलहमदिल्ला सारे पेयर जो है ना बिल्कुल रेडी हैं, उनको भी मैंने सॉफ्ट फूड वगैरह लगा लिया, और सारी फीमेल मेल जो है ना वो सॉफ्ट फूड शौक से खा रहे हैं। मास्टर केज की जो मैंने आप दोस्तों को मुकम्मल जो है ना अपडेट दे दी, खाली एक रह गई है, वो ये है कि यहाँ पर जो है ना फिंच ने अंडे दिए थे, तो उन अंडों में से भी अलहमदिल्ला बच्चे हैच हो गए, तो मैं वो भी आप दोस्तों को जो है दिखाता हूँ। और एक और जिस चीज़ मैंने ऐड की थी वो जो है ना डफ की फीमेल, तो डफ के लिए मैं फीमेल लेकर आ गया था, वो जो है ना यही बैठी हुई है, ये बैठी यहाँ पर, ये रही मेल वो पीछे बैठा हुआ, फीमेल जो है ना ये रही, लेकिन मेल जो है ना वो फीमेल को थोड़ा भी डिस्टर्ब कर रहा है। इंशाल्लाह कुछ दिनों में जो है ना इससे आदत हो जाएगा, फिर जो इंशाल्लाह ये भी इंशाल्लाह ब्रीड कर देंगे। अभी जो है ना फीमेल जो है थोड़ा मेल से वो डिस्टर्ब हो रही है। तो अब जो है ना यहाँ फाइनली यहाँ पर जो है ना फिंच की ब्रीड चेक कर लेते, तो बॉक्स को जो है नीचे उतार लेंगे, फीमेल जो है ना बाहर आ गई है। तो यहाँ पर तकरीबन मेरे ख्याल से 3 से 4 बच्चे जो है ना हैच हो गए थे, मैंने कल देखे थे, तभी आप दोस्तों को दिखाता हूँ, फ्लैश ऑन कर दे दो। यहाँ पर माशाल्लाह से तकरीबन 4 बच्चे जो है ना हैच हो गए, 6 अंडे दिए थे, 1 अंडा जो है ना ख़राब हो गया था, बाकी 5 अंडे फर्टाइल थे, और इसमें 4 बच्चे हैच हो गए और 1 अंडा जो है ना किंचे और भी हो गए अपनी, वो भी जो है ना मेरे ख्याल से उसमें से बच्चा हैच हो गया होगा। तो अभी तक फिलहाल 4 बच्चे हैच हुए हैं, देखते 5 बच्चा कब तक हैच होता है, और अभी जो है ना उसको वापस अपनी जगह पर लगा लेते हैं। अलहमदिल्ला सारे बच्चे बिल्कुल जो है ना सही है, और मादी ने जो है ना फीड भी सही से कराई है, तो बॉक्स को जो है ना वापस अपनी जगह पर लगा लेते हैं। मास्टर केज की जो है ना मैंने आप उसको मुकम्मल अपडेट दे दी, और एक जो है ना मुर्गी थी वो अंडों पर बिठाई थी, मैंने आप दोस्तों से कहा था, एक हीरी माती अंडे दे रही थी, तो उसको भी जो है ना मैंने अंडों पर बिठाई दिया था, तो वो भी आप दोस्तों को मैं दिखाता हूँ। तो वो भी फिलहाल अंडों पर ही बैठी हुई, वायरल तकरीबन 3 से 4 दिन पहले मैंने उसको जो है ना ये अंडों पर बिठाया था, तो ये यहाँ पर जो है ना बैठी अपनी जगह पर, मैंने मेल इससे अलग कर दिया था,
और काफ़ी जो है ना सही तरीके से अंडों को जो है ना ये इंक्यूबेट कर रही है। शुरू में तो जो है ना बैठ नहीं रही, तकरीबन 3-4 घंटे तक ये बैठ नहीं रही थी, उसके बाद जो है ना ये बैठ गई थी। तो अभी तमाम अंडे इसके नीचे ही दिखाता हूँ दोस्तों को, थोड़ा सा एग्रेसिव हो रही है। तो ये इसके नीचे सारे अंडे पड़े हैं, कुछ इसके अंडे भी हैं, कुछ जो है ना मैंने अमरोहा रेड लाइन के भी अंडे रखे हैं इसके नीचे। और यहाँ पर जो मेल था उस मेल को मैंने जो है दूसरे केज में शिफ्ट कर दिया था, वो जो है ना इस केज के अंदर ये रहा मेल, तो मैंने इसको अलग सेपरेट कर दिया था। अभी मुर्गी जो है ना वो अंडों पर बैठी हुई है, इंशाल्लाह 3 से 4 दिन बाद जो है ना अंडों की कैंडलिंग करेंगे और देखेंगे कि आज जो है सिचुएशन है, बच्चे बन भी रहे नहीं बन रहे। तो अभी जो है तकरीबन 3-4 दिन बाद इंशाल्लाह इसकी इनकी जो है अंडों की कैंडलिंग भी करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की दुआ उसको पसंद आई, पसंद है वीडियो को आदमी लाइक कर दिएगा, चैनल पर नए चैनल को आदमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।